ये बच्चे जो आपको पार्क में नज़र आ रहे हैं, ये इसी पार्क के करीब ही रहने वाले बच्चे हैं। तो हमें तो यहाँ पे काम था, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। तो अभी चलें, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने घर वापस आके जो लंच की तैयारी मैंने की है, तो वो मैं आपसे वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जी, अभी हम लोग घर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया, उसके बाद मैं ये लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी, तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरे बेटे ने कैमरा पकड़ा था, अभी मैंने एडिटिंग करते वक्त देखा कि उसने थोड़ी सी मतलब रोटेशन कैमरे की गलत रखी हुई थी। चलें, आप अवॉइड कीजिएगा। तो मौसम का बताऊं कि यहाँ पे मुजफ्फराबाद में आजकल बहुत गर्मी हो रही है। मेरा घर तो मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, तो डायरेक्ट वहाँ धूप लगती है तकरीबन 12 से लेके जो है ना 5 बजे तक, जो है मसलसल धूप रहती है। उस वजह से टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये मैंने सब्ज़ी में बाकी मसाले वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। मैं मसाले वगैरह तो सब्ज़ी में इतना ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मसालों से जो है ना सब्ज़ी का मेरे लिहाज से कि टेस्ट ख़राब हो जाता है। उस वजह से मैं अवॉइड ही करती हूँ मसाले वगैरह ऐड करना। मुझे सब्ज़ी जो है ना सिंपल ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ये टमाटर में भूनूंगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कद्दू थोड़ा सा है ना गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन ये फिर भी ताज़ा थे, इन्होंने इतना टाइम नहीं लिया। तो अभी सब्ज़ी बनाने के बाद मैं जो है ना रोटी की भी बना लूँगी साथ साथ। ये देखिए, मेरे बेटे ने जो है ना वीडियो बिल्कुल उल्टे तरीके से बनाई है। ये मैंने एडिटिंग करते वक्त देखा, पहले मैंने देखा नहीं। तो चलें, अभी मैं ये बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर लूँगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हर चीज़ में मुझ तक को तो मैं हर चीज़ में जो है ना शिमला मिर्च को ऐड करूँ। अभी मैंने रोटी वगैरह भी बना ली, तो चलिए मेरा लंच तैयार हो गया। मैंने थोड़ा सा वो फास्ट मूड पे डाल दिया था, मैंने कहा चलें आप लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आप बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।